ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن معزز سامعین حضرات حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ مالک ارض و سما دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات نو پالنے والا ہر ایک نو اودے مقررہ وقت رزق پہنچانے والا علیم بذات الصدور سمیع بصیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کائنات دے ذرے ذرے دا خالق و مالک درود و سلام آقا دو جہان تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساکی کوثر شافی محشر منبع رشت و ہدایت کونین دے تاجور امام الحرمین سید الثقلین احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام دیاں بارشاں ہون اللہ والو
जिस आयत करीमा नु मैं इस वक्त उसा अहबाब दे सामने पेश खिदमत की तय ए मुकाम आली शान अल्लाह रब रहमान दी अजीम उल बरकत की किताब दा 22वां पारा सूरत दा नाम सूरह अहजाब। इस मुकाम अजीम शान नु मेरे और तुआडे खालिक व मालिक ने जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते मक्का मुकरमा तो बाद मदीना पाक अंदर नाजल फरमाया। हजरात अज साडे मुआशरे दे अंदर औरत या बेटी नू बोझ समझिया जांदा है। जिस तरह नबी अली सलातु वसलाम दी आमद तो कबल लोग अपनिया मावां बहनां नूं जिंदा दरगोर कर दिया कर दे कतल करवा देंदे, बल्कि मैं ते इत्थों तक पढ़िया कि मंडियां अंदर जाके फरोख्त कराया कर दे। अज तो 1450 साल कबल दा ए रिवायती तरीकाकार अज साडे मुआशरे अंदर भी बपा हो चुके है। जिस तरह मगरबी लोग अपने आप नू तहजीबो तमदन और सकाफत दे ठेकेदार समझने वाले अज औरत दा एहतराम भुल चुके ने, औरत नू इज्जत दी निगाह नाल नहीं देखदे, हत्ता के जहालत इतनी फैल चुकी है इलम होन दे बावजूद अदब दी इतनी कमी हो चुकी है कि जदो उन्हां दी कोई मां या बाप बूढ़ा हो जाए उन्हां नू बजाए के खिदमत करके जन्नत कमान दे उन्हां नू ओल्ड होम अंदर छोड़ाया करदे ने ताकि उन्हां दे नाल उन्हां दा कोई भी ताल्लुक ना रहे। उन्हां नू देखा देखी अज तेरे मले मुल्के पाकिस्तान अंदर कई ओल्ड एज होम तेनु नजर आउणगे जिन्ना दे अंदर वालिदैन तेनु नजर आणगे, कोई पुत्रां दा दुखी कोई हालात दा दुखी। अज मां दा भी अदब खत्म हो चुके है, बहन दा भी अदब खत्म हो चुके है, बेटी दा भी खत्म अदब खत्म हो चुके है, बल्कि औरत नू इज्जत दी निगाह नाल देखना ही इस मुआशरे दी बुराई बन चुकी है। जिन्हों दिल करदा उन्हों नजरां फाड़ के वेखी जांदा है, किसे दी गैरत दा एहसास नहीं, किसे दी इज्जत दा एहसास नहीं। हजरात अज इस खुतबे जुमा दे अंदर मैं उन्हां पाक बाज औरतां दा जिक्र करना चाहना जिन्हां नू अल्लाह दे कुरान ने ते नबी अलैहि सलातु वसलाम ने अपनी जुबान नबुवत विचों कई मरतबा जन्नत दी बशारत दिती है। अज हर इंसान ने चाहता है कि मैनू जन्नत मिले, अगर कोई आलिम है तो चाहता है मैनू जन्नत मिल जाए, अगर कोई सखी है सखावत करने वाला है वह चाहता है मैं माल खर्च करा मैनू जन्नत मिल जाए, अगर कोई नमाजी है वह कहता मैं नमाज पढ़ा मैनू जन्नत मिल जाए। हजरात उन्होंने लोगों दियां ते अजमतां दे क्या कहने, उन्होंने औरतों की अजमत दे क्या कहने कि जिन्हों की खुद जन्नत तलबगार बन चुकी है कि अल्लाह फला औरत मेरे अंदर भेज दे, अल्लाह फला औरत दे नाल मैं मुलाकात करनी चाहना। नबी अली सलातु वसलाम ने उन्हां दा तज़किरा कीता ते बल्कि कई ऐसियां भी खातून गुजरियां ने जिन्हां ने नबियां दे घरां विच रह के उन्हां दी नाफरमानी कीती, उन्हां दी हुक्म अदूली कीती, उन्हां दी नाफरमानी करन तो बाद जहन्नुम दा अंगारा बन गईयां। तुसीं आखोगे दलील की है, आओ जरा अल्लाह दा कुरान समाज फरमाओ। नबी अली सलातु वसलाम ने अपने फरमान अंदर ते सहाबाए किराम ने अपनियां जिंदगियां अंदर इन्हां लोगां दे सामने अपनी जिंदगी नूं गुजारिया। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
फरमाया या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। कायनात लोगो अकाल सलातु व सलाम नु अल्लाह हुक्म फरमा रहे ने, ए मेरे नबी अपनी जुबान चो ऐलान कर दियो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, जेड़िया तुआडिया घर वालिया बेटिया बहू ने, जेड़िया तुआडे घर वालिया ने, उन्हां दे नाल अपना पैगाम अल्लाह दा उन्हां तक पहुंचा दियो। अल्लाह जी दसो ते सही ना की आ डरे। फरमाया कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, उन्हां तक पैगाम पहुंचाओ अल्लाह पाक दी तौहीद दा, उन्हां तक पैगाम पहुंचाओ अल्लाह दे कुरान दा, उन्हां तक पैगाम पहुंचाओ परदे दा, उन्हां तक पैगाम पहुंचाओ गैरत इंसानियत दा। कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ते नेक औरतां वास्ते भी पैगाम पहुंचाओ युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। अपने आप नू ढांप के रखे आजे, अपने आप नू हिफाजत अंदर रखे आजे, अपने जिस्म ते अपनियां नजरां दी हिफाजत करे आजे। कायनात दे लोगो कुरान पाक दा दूसरा मुकाम, अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहा है, बीवी नबी दी है लेकिन है ना फरमाने, बीवी वक्त दे नबी दी है लेकिन है ना फरमानी करन वाली, अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरु मरअतन नूहिं व मरअत लूत कानत तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानत गुमा फलकनिया अन गुमा मिन अल्लाह शैआ वकील दुखुल नार मा दाखिलीन, वकील दुखुल नार मा दाखिलीन, वकील दुखुल नार मा दाखिलीन। फरमाया बीवियां नबियां दियां ने लेकिन हुक्मरानी नबी दी नहीं मनी, नबी दा दीन नहीं मनिया, नबी दी गल नहीं मनी, नबी दे हाथ लग के अपनी जिंदगियां नु नहीं गुजारिया। फरमाया वकील दुखुल नारा, मैं उन्हां नू अग अंदर सुट देंगा, मैं उन्हां नू जहन्नम दा बालन बना देंगा, मैं उन्हां नू जहन्नम दी नजर कर देंगा, मैं उन्हां नू जहन्नम दा ईंधन बना देंगा। कायनात दे लोगो औरतां दियां कुर्बानियां इस्लाम वास्ते, अज दा मुसलमान भुल गया औरतां दियां कुर्बानियां। ओ यार जिवें इस्लाम वास्ते इंसानां ते मर्दां दी जरूरत है, एवें इस्लाम वास्ते औरतां दी भी ते जरूरत है, एवें इस्लाम वास्ते औरतां दियां भी कुर्बानियां ने। किते मैनू याद आईया बीबी सुमैया सलामुल्ला अलैहा, इंज अबू जाल सामने खड़ा, वेख इस्लाम वास्ते कुर्बानियां खवातीन दियां, तेरे मेरे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंज बीबी पाक सामने खड़िया ने, अबू जाल आंदा मैं तेरिया अखा निकाल देंगा। वो यार सोच ते सही ना, कदी तसव्वुरात अंदर जाया ते करना, अज तेरिया मेरिया खवातीन ने इस्लाम वास्ते की कीता है, अज तेरिया मेरिया खवातीन ने इस्लाम वास्ते केड़ी कुर्बानी दिती है। इंज बीबी पाक सामने खड़िया ने, आंदिया ने मैं अल्लाह दा कुरान नहीं छड़ सकती, मैं अमीना दिलाल दा फरमान नहीं छड़ सकती, आंदा मैं तेरिया अखा निकाल देंगा, कौन जेड़ा तेरिया अखा दोबारा जिंदा करेगा, क्या ईमान है उन लोगों का। आंदियां ने मेरा रब मेरिया अखा दोबारा पैदा करेगा। अबू जाल ने अज गर्म सलाइया मारिया ने, अखा बार आ जांदियां ने, इंज आसमान वाल अपना चेहरा कर लेंदियां ने, आंदियां ने अल्लाह अगे तेरी तौहीद दा इनकार करदा सी, अल्लाह हुण ते जान दा दुश्मन बन गया है, अल्लाह हुण तेरी तौहीद नू ललकारन लग पिया है, अल्लाह हुण ते तेरी तौहीद नू ललकारन लग पिया है, अल्लाह मैनू मेरिया अखा दोबारा वापस करना, वेख अपनी अखा की कुर्बानी दिती बीबी पाक ने, अल्लाह ने दोबारा अखा ता कर दितियां। ए सारे फबूही तल्लाजी कफर, इन्हां दे मुंहां ते ताले लग गए, इन्हां दे मुंह बंद हो गए, अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद दा नकारा खड़का दिता।
का। फरमाया कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। कायनात दे लोगो एथे मनु हदीसे मुस्तफा याद आई, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, औरत ऐसे तरह दी जिंदगी गुजारे दुनिया ते रह के जन्नत दा ऐलान हो जाए, दुनिया ते रह के ओनू आसमान तो जन्नत दा पैगाम आ जाए। नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, चार खवातीन ऐसिया ने जिन्हां नू जन्नत दा पैगाम दुनिया अंदर ही अल्लाह ने सुना दिता है, बल्कि कदीस दे अल्फाज ने उन्हां दी जन्नत भी ख्वाहिश कर दी उन्हां दे नाल मुलाकात करन दी। पहले नंबर ते अम्मा जी आसिया सलामुल्लाह अलैहा फिरौन दी घरवाली, दूसरे नंबर ते बीबी पाक मरियम सलामुल्लाह अलैहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालिदा मोहतरमा, तीसरे नंबर ते उम्महातुल मोमिनीन अंदरों हजरत अम्मा जी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, चौथे नंबर ते हजरत हुसैन दी अम्मा जान हसनैन करीमैन दी वालिदा मोहतरमा, हजरत अली दे सिर दा ताज, हजरत अली दे घर दा रूप ते सिंगार, मेरे तेरे नबी दे जिगर दा टुकड़ा अम्मा जी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कायनात दे लोगो ए चार बीबियां ऐसियां गुजरियां ने जिन्हां नू जन्नत भी ख्वाहिश कर दिए, अल्लाह इन्हां नू साडे अंदर भेज दे, असीं अल्लाह इन्हां नू मुलाकात करनी चाहने आं। कायनात दे लोगो नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, जिहड़ी औरत चार कम कर लैंदी ए, जिहड़ी औरत चार कम कर दी ना जन्नत भी ओदी तलबगार बन जांदी है। पहले नंबर ते आमिना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने, जड़ी औरत नमाज दी पाबंदी करदी है, पांच वक्त दी नमाज अदा करदी है, अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक नमाजां दी पाबंदी करदी है, इधरों ड्रामा भी चल रिहा है लेकिन नमाज दा वक्त हो चुके है, इधरों टिकटॉक देख रही है इधरों नमाज दा वक्त हो चुके है, एदा दिल करदा मैं ड्रामा भी वेखा मोबाइल भी चलावा लेकिन सारा कुछ छड़ देंदी है, अल्लाह दे काम वाला जांदी है, अल्लाह दे हुक्म दी फरमा बरदारी कर दी है, अल्लाह दे फरमा बरदारी करके जिंदगी गुजार दी है, पांच वक्त दी नमाज पढ़ दी है। दूसरे नंबर ते नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, ए लड़की जड़ी खातून जड़ी रोजे रख दी है, रमजान दे रोजे बकायदगी दे नाल रख दी है, अपने मुआमलात खत्म कर देंदी है लेकिन रोजे बकायदगी रख दिए। तीसरे नंबर ते नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, अपनी निगाहां ते शर्मगाह दी हिफाजत करदी ए, अपनी शर्मगाहां दीआं हिफाजतां करदीआं ने, अपनीआं निगाहां दीआं वी हिफाजतां करदीआं ने। ओ यार अज दा मुआशरा वेखना किते हया तेनू नजर नहीं आएगी, इत्थे बजुर्ग वाकिया सुना रहे सन, आंदे सन पुराने वक्तां अंदर ऐसा होया करदा सी, खामंद अगे अगे चलिया करदा, पिछे पिछे खातून बच्चे लेके चलिया करदी, अज दा मुआशरा ही बदल चुके आए, अज बेहयाई ते बेगैरती आम हो चुकी है, अज मोबाइल ने घरां दे घर ते टब्बरां दे टब्बर बिगाड़ के रख दिते ने, बल्कि ए जुमला कवां तेरा आएगा नहीं जाएगा, इन्हां ने नस्लां ही तबाह करके रख दित्तियां ने। कायनात दे लोगो अज दा मुआशरा वेखना, खावंद अगे अगे लेके बच्चे चल रहे है, पिछे खातून परस पा के मोबाइल लेके आ रही है, अज दा मुआशरा ही बदल के रख दिता है मोबाइल ने। नबी अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने, जेड़ी औरत अपनी निगाह ते शर्मगाहां दीआं हिफाजतां करदीआं ने। चौथे नंबर ते आमिना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने, जेड़ी औरत अपने खावंद वास्ते कुर्बानी दे दिंदी है, जेड़ी औरत अपने खावंद दी फरमा बरदारी करदी है, जिस हालात अंदर खावंद रखे ओहदे ते आमीन कह दिंदी है, ओहदी खुशी नाल खुशी रखदी है, ओहदी गमी नाल गमी रख दिए, अपने खावंद नाल प्यार ते मोहब्बत रख दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, कल कयामत दा दिन होएगा, इंज अल्लाह दा मैदान महशर दा मैदान लग जाएगा, अल्लाह पाक दा अरश लगा होएगा, अल्लाह पाक बड़े वैश्य जलाल अंदर आणगे, ए नमाजी बंदा आएगा, इहनू जन्नती दरवाजा नमाज आखेगी मेरे अंदरों दाखल हो जा, रोजेदार आएगा इहनू बाबू रियान कहेगा मेरे अंदरों दाखल हो जा, इहदे तहज्जुद गुजार आए
आएगा ए बदावा सैनू आवाजा मारेगा मेरे अंदरों दाखल हो जा इते सखी आएगा सखावत वाला दरवाजा सैनू आवाजा मारेगा आ मेरे अंदर दाखल हो जा हर इबादत करने वाला इंसान अपनी इबादत के दरवाजे चो जन्नत अंदर जाएगा लेकिन जेड़ी खातून ना चार कम्मा नू जिंदगी अंदर लागू करेगी जेड़ी खातून जेड़ी बीबी इन्हां चार चीजां ते अमल करेगी जेड़ी खातून इन्हां चावां कम्मा नू करेगी तेरे मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा ए चार कम करन वाली बीबी इहनू जन्नत दे अठे दरवाजे आवाज मार के बुलाणगे आज साडे अंदरों दाखल हो जा नमाज वाला दरवाजा आवाज मार के बुलाएगा जकात वाला दरवाजा आवाज मार के बुलाएगा रोजे वाला दरवाजा आवाज मार के बुलाएगा सखावत वाला दरवाजा आवाज मार के बुलाएगा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कल कयामत दिन नु जन्नत दे अट्टे दरवाजे आवाज मार के बुलाणगे ओ यार घर अंदर इस हदीस नु लिखवा के लटका दियो अज दा पैगाम नोट करके ले जाओ अपनियां बेटियां नु ए हदीस जुबानी याद करवा दियो अपनियां बहनां नु हदीस पहुंचा दियो अपनियां बीवियां नु ए हदीस से अमल करन वाला बना दियो अपनियां मावां बहनां तक अज दी हदीस पहुंचा दियो ओ यार अगर चाहने कल कयामत दे दिन तेरा भी बेड़ा पार हो जाए अगर चाहने कल कयामत दे दिन तेनू भी जन्नत मिल जाए फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मान तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पाक दा फरमान है जेड़ी औरत चार कुर्बानियां दे देंदी है अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अता कर देंदे ने ओ यार इत्थे गल आई है मैं गल करनी चाहना अपने खावंद दी फरमा बरदारी कर दी है अपने खावंद दे नाल उसने सलूक कर दी है अपने खावंद वास्ते सारियां चीजां दी कुर्बानी दे देंदी है ओ यार अजकल दा नौजवान है ना अपनी बीवी नूं समझदा ही कुछ नहीं अपनी बीवी नाल प्यार ही कोई नहीं बार जी जी करदा फिरदा घर दी जुबान ही नहीं संभली जांदी ओ यार वेख ते सही ना एक खातून ने तेरे वास्ते किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने उहने अपने घर छड्डन दी कुर्बानी दित्ती है उहने अपने वालदैन छड्डन दी कुर्बानी दित्ती है पुछ ना बजुर्गां कोलों अज सफेद वाला वालियां कोलों ओ यार बेटी नूं विदिया करन दा मौका किन्ना कयामत खेज़ हो जांदा है ए बाप जान अर्श वाला रहमान जानदा है ओ यार बीवी तेरे वास्ते अपना घर बार छड़ देंदी है अपने वालदैन नूं छड़ देंदी है वालदा रोंदी है ते रोंदी रह जाए बाप हाड़े पांदा ते रोंदा रह जाए अल्लाह दी कसम मैं ऐसे वालदैन भी देखे ने जेड़ी बेटियां नूं तोरन दे वक्त बेहोश हो जांदे ने ऐसे भरावां नूं मैं जानना इधरों भैन नूं गड्डी च बिठाया इधरों बेहोश हो जांदे ने ओ यार इस तो बड़ी की कुर्बानी हो सकती है खातून दी तेरे वास्ते इस तो बड़ी की कुर्बानी हो सकती है कि बीबी दी तेरे वास्ते ओ यार आज तू उन्हां नूं गालां कढे आज तू उन्हां नूं मारे ते उन्हां नूं टॉर्चर करे मैं तेनू किवें इंसान मान लवां बल्कि अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक उलाइका कला नाम बलहुम अजल तू ते उन्हां जानवरां तो भी पत्थर हो चुकिया है तू ते उन्हां डंगरां तो भी पत्थर हो चुकिया है ओ जिन्हां नूं इलम दे बावजूद उन्हों ना दी कदर नहीं कर दे ओ यार इधरों निकाह हो जांदा है ओ तेरे घर नू आके आबाद कर दिए सारियां रौनका छड़ के आ जांदी है तेरे घर आके रौनका लगा देंदी है अज तू ते मैं किते जाके रहना होए ना पिछले दिनों मैं ते मेरा यार रमजा रहीम यार खांगे असी तीन चार दिन उते रह के आए लेकिन रहना मुश्किल हो जांदा है उते जाके रहना मुश्किल हो जांदा है इंसान दा दिल नहीं लगदा ओ यार औरत दा किन्ना हौसला हुंदा है इधरों अनजान घर अंदर चलिया जाना हुंदा है इधरों ना अनजान लोगों दे नाल जाके बैठ जाना हुंदा है अपने खावन दी मुहब्बत वास्ते अपना सारा कुछ छड़ देंदी है अपना घर बार छड़ देंदी है अपने रिश्तेदार छड़ देंदी है अपना गली मुहल्ला छड़ देंदी है अल्लाह दी कसम उस वक्त औरत दी है यार रब जानदा है ओ जिन्ने सारा कुछ तेरे वास्ते कुर्बान की
ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਢਾਲ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਵਾਹਨ ਨਾਲਾ ਵਾਹਨ ਤਬ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਹਮਲ ਦਰ ਹਮਲ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਸਲਾਵਾਤੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੂਮਿਨੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅੰਦਰ 9 ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅੰਦਰ 11 ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅੰਦਰ 7 ਬੀਵੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖਤੀਜਾ ਖਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖਤੀਜਾ ਖਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਖਤੀਜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਤੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਜਰੇ ਉਰੂਸੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਦਾਰ ਖਤੂਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਲਦਾਰ ਖਤੂਨ ਹੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਖਤੂਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਭਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਪਾਕ ਬਾਸ ਤੇ ਨੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਖਤੂਨ ਅੱਜ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਸੁੱਖ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹਿਨ ਇੱਕ ਦਰਦਮੰਦਾ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਘੜਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡੰਡੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੂਹ ਵਗਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਦ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੰਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਸ਼ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਘਰ ਹਿਰਾ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਜ਼ੰਮਲੂਨੀ ਜ਼ੰਮਲੂਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨੇ ਘਬਰਾਏ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਵੰਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਕਿਆ ਤਕਾਇਆ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਖੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹਿਨਾ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗਮਜ਼ਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਇੰਜ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਐਸੀ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਖਤੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੰਮਲੂਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਤਾਬਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕੰਬਲ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਜੁਮਲੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی حدیث میں آغاز اندر پڑھی کہ جڑی خاتون چار کام کردی ہے جنت دا ہر دروازہ اونوں اپنی طرف بلا
पहले नंबर ते सलात दी पाबंद हुंदी है, नमाज़ां बकायदगी दे नाल पढ़दी है। दूसरे नंबर ते रोज़ा रखदी है, रोज़े बकायदगी दे नाल रखदी है। तीसरे नंबर ते अक्ल इसरातो सलाम फरमांदे ने जिहड़ी खातून अपनी इज्जत दी हिफाजत करदी है। चौथे नंबर ते अक्ल इसलाम फरमांदे ने जिहड़ी खावन दे नाल फरमा बरदारी करदी है, खावन दे वास्ते कुरबानी दे दिंदी है, खावन दे नाम लग जांदी है। कल क़यामत दा दिन होएगा, जन्नत दे अठे दरवाजे नूं अपनी तरफ बुलाणगे, जिहदे चों दिल करदी अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखल हो जाए। अज थाडे मुआशरे अंदर इन्हां चारां चीज़ां की कमी, घरां दे घर टब्बरां दे टब्बर विगड़े पए ने। अज मुल्के पाकिस्तान अंदर पिछले सालां दी बनिस्बत ज़्यादा तलाकां दीआं शरहां क्यों वध रहीआं ने? वजह नाफरमानी खावन दी, खावन दे नाल प्यार मुहब्बत नहीं, खावन दे नाल चाहत उफत नहीं। ते कुरान की कह रहा, आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। नबी अलैहि सलातु व सलाम दे सीना ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया, फरमाया क्या, अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। सोनिया इन्हां नूं ऐलान करो ना, अपनियां घर वालियां बेटियां ते खां बीवियां नूं, नेक औरतां नूं ऐलान करो ना, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। अपनी इज्जत इस्मत दी हिफाजत करनी है। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम, अल्लाह फरमांदे ने ज़रब अल्लाहु मसलल लिल्लदीना आमनु मरअत फिरऔन इस कालत रब्बी बनली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमली व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। अगे माल दी कुर्बानी दी मिसाल दित्ती है, अम्मा दी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अवेख एक खातून ने जिदा जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान अंदर कीता है, बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा। फिरौन दी घर वालियां ने अल्लाह दी तौहीद ते पक्कियां रह गईयां ने, अपनी जान दी कुर्बानी भी देन दित्ती है ते दे दित्ती है। अगर जान दी कुर्बानी दी वारी आई है ते कुर्बानी दे दित्ती है। अगे आओ नजर हजरत अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम, बीबी बावफाए बीबी फरमा बरदार है। हजरत अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम दी बीवी, इन्हां दीआं शादियां चार होईआं ने, इन्हां दे बच्चे भी बहुत ज्यादा, इन्हां दे खानदान अंदर लोग भी बहुत ज्यादा, इन्हां दा माल डंगर भी बहुत ज्यादा। तफसीर वालियां ने लिखिआ है, सब तो ज्यादा अल्लाह ने माल दो नबियां नूं दित्ता, इक हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नूं, इक हजरत सैयदना अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम नूं। अल्लाह पाक ने माल भी अता कीता, अल्लाह दा करना ऐसा होया, इधर अजमाइश आ गई। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामु, अल्लाह ताला दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया जिहड़े लोग अल्लाह दे उत्ते साबत कदम हो जांदे ने। वनबलुवन्नकुम मिनल खौफी वल जूई वनकसिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमांदे ने मैं उहनां नूं जानां दी कमी करके अजमाना, मैं उहनां नूं मालां चों कमी करके अजमाना, मैं उन्हां नूं खानदान दी कमी करके अजमाना, मैं उन्हां नूं फरावानियां तो कमी करके अजमाना। मिनल खौफी वल अनफुसी वस्समराद वबशिरिस साबिरीन, जिहड़ा इन्हां ते सबर कर लैंदा है, जिहड़ा इन्हां ते पक्कियां हो जांदा है, जिहड़ा अपने रब दा गिला नहीं करदा ना, उहनूं मैं फिर खुशखबरी सुना देना जन्नतां दी, फिर मैं उहनूं जन्नतां दा ऐलान कर देना। वेख सैयदना अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम ने दिने बादशाह ने शाम नूं सुतिया पिया, इधरों छत डिगदा, इन्हां दे सारे बच्चे फौत हो जांदे ने, अजे माल डंगरां ते छत डिगदा, सारे माल डंगर मर जांदे ने, लेकिन फिर भी आंदे ने अल्लाह मैं तेरी रजा ते राजी हां, अल्लाह मैं तेरी उलूहियत ते राजी हां। ओ यारे ते मेरे रब दियां मर्जियां ने, किसे नूं कुछ भी ना देवे, किसे नूं सारा कुछ अता कर देवे। ताएं ते बाबा जी समसाम दी रूह तड़पी, आंदे ने है ओ अपनी मर्जी वाला, जो चाहे सो करदा, एक इकला बाद शरीकों है सुल्तान अमरदा।
ते बादशाहानू तख्तों सुटे ते पल विच करे विराना आजिज़ते मिसकीना ताई दिंदाई तख्त शाहाना ते मर्जियां मेरे मालक दियां ने कायनात दे लोगों हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ते परेशानी आ गई सारियां बीवियां चलियां गईयां अम्मा जी रहमत अलैहिस्सलाम अम्मा जी रहमत सलामुल्ला अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज खामन दे कोल बह गईयां अपने खामन दे नाल दुख सुख करन लग पईयां अपने खामन नूं तसल्ली देण लग पईयां अपने खामन दी दिल जोई करन लग पईयां बाकी आलम है लेकिन मैं गल समझानी चाहना कायनात दे लोगों एक दिन दा वेला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ फरमाने आसमान तो जबरील आ जांदा है आंदा या नबी अल्लाह अपने पैर ते रगड़ोना फरमाया 18 साल हो गए ने पैर रगड़ दिया 18 साल हो गए ने एड़ी रगड़ दिया अज तक मेनू कोई फायदा नहीं हो सकया अज तक कोई मौजा नहीं बन सकया तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने हजरत जिब्रील ने जदों आके आख्या ना कि अपने पैर थलो एड़ी रगड़ो ते अल्लाह ताला पानी दा चश्मा जारी करेगा ते हजरत अय्यूब फरमान लगे कि इन्ने साल हो गए ने अज तक ते कोई चश्मा ना निकलिया फरमाया अगे अपनी मर्जी नाल रगड़ दे सो हुन रब दी मर्जी है थोन रगड़ो हुन अल्लाह पानी भी अता करेगा हजरत अय्यूब अलैहि सलातो वसलाम ने अपनी एड़ी रगड़ी अल्लाह ने थलो पानी दा चश्मा जारी कीता फरमाया इन्हू पी भी लो इहदे नाल नहा भी लो जदों पीता ते अल्लाह ने अंदरूनी बीमारियां तो शिफा दे दी ते जदों नहाए अल्लाह ने बिरूनी जिस्म साफ कर दिता जन्नत चो लिबास आया लिबास पहन के बह गए ते अम्मा जी रहमत सलामुल्लाह अलैहा कम अंदर गईयां ने लोगों के भांडे मांज के घरां दा कम करके अपने खावण दी ताबेदारी करदे उन्हां नूं खिलाण वास्ते लियांदियां लोगों के घरां च कम करदे अपना पेट पालदियां अपने खावण दी इताअत करदियां ऐ वेख हज़रत इस बीबी पाक दा किरदार अपने घरां अंदर भी इनका किरदार पैदा कर इन्हें औरतों के किस्से पढ़ के सुनाया करो हजरत इस बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा जो आईया वेख्या गया कि गबरू जवान है जन्नती लिबास पाया बहुत सोहना उन्होंने अगो नजर चुरादियां चुरादियां उन्होंने कोल आके पुछते ने भी वीर इतने मेरा एक खामन सी बड़ा बीमार सी कितने कितने गया कि वेख्या उन्होंने कहा बीबी रहमत मैं ही तेरा खामन दा फरमाया दुखियों के नाल मजाक नहीं करी दे जड़ा बंदा अगे दुखी होए मजाक नहीं करिया कर दे फरमाया मैं मजाक नहीं कर रहा अल्लाह ने मैनू शिफा अता फरमा दी है फिर बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खामद नूं देख के अल्लाह दा शुक्रिया अदा किया क्यों क्योंकि उन्हां दे नाल तकलीफ भी कट्टी ते नाल सुख दे भी साथी बन गई बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा ने दुखां दीआं तकलीफां दे अय्याम भी उन्हां दे नाल गुजारे अज अल्लाह ने रहमतां अता कर दित्तियां ने अल्लाह ने दोबारा माल ते डंगर कर दिता है अल्लाह ने सारिया रहमत दोबारा वापस लुटा दितिया ने आज भी बीबी पाक ने सारा जिंदगी अपनी उन्होंने नाल गुजारी है वाकिया सुनाने का मकसद की है ओ यार अगर माल तो बाद जान की कुर्बानी भी देते आईया ने उन्होंने जान की कुर्बानी भी दे दी है अपनी सेहत की कुर्बानी भी दे दी है अपने माल की कुर्बानी भी दे दी है जिथे बाकी बीवियां छड़ के चलिया गई बीबी रहमत भी जा सक लेकिन अल्लाह की रजा की खातर उन्होंने अपने खावन की नाफम अपने खावन की फरमा बरदारी की अल्लाह ताला दी जन्नत हकदार बन गई आखिरी गल करा ते गल मुकावा तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद एक दफा फिर साडा मदनी पीर लसानी है माई आमीना दा दिल जानी है जेड़ा उंगलां तो चश्मे चला जावे नाले पत्थरां नु कलमे पड़ा जावे ओने नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है मुद्दतां दे दुश्मन नु बाई बाई बनाया है
किन्ने साडा मदनी पीर लसानी है, साडा मदनी पीर लसानी है, माई आमीना दा दिल जानी है, जेड़ा उंगलां तो चश्मे चला जावे नाले पत्थरां तो कलमे पड़ा जावे। ताई ते कुरान लान कर रहा है, फरमाया या अय्युहन नबीयु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, केड़ी केड़ी औरत दा जिक्र करां ते केड़ी दा ना करां। अवेख बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी इज्जत ते इस्मत दी हिफाजत किवें कीतियां ने। अल्लाह पाक ने आसमान तो इंज फरिश्ता नाज़िल कर दिता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज बीबी पाक दे सामने खड़ियां ने। ते बीबी पाक फरमांदियां ने, वीर मेरे सामने खड़ा ना हो, मेरे खालू दी इज्जत रुल जाएगी, मेरी मां दा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरे बाप दी पग रुल जाएगी, साडा इन्नी इज्जत वाला घराना साडा नाम बदनाम हो जाएगा। फरमाया बीबी मैं कोई आम बंदा नहीं, बल्कि मैं अल्लाह दी तरफों अता करदा फरिश्ता आया वा, मैं तेनू पुत्र दी खुशखबरी देन आया वा। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरी अखां तो जलो जा। ते बाबा जी संसाम ने इन्हां दा तर्जुमा कीता, फरमांदियां ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपनी जुबाने हाल अंदर कहदियां होणगियां, वे चले जा वीरा मैं कली कलियां, तू मर्द बगाना डाडा तेरे तो संगियां, वे चले जा वीरा मैं कली कलियां, तू मर्द बगाना डाडा तेरे तो संगियां, रब रहमान दियां पनावां भी मंगियां, दूर हो इत्थे खलो नाई भावे तू नेक तावी, इत्थे खलो ना भावे तू नेक तावी, इत्थे खलो ना भावे तू नेक तावी, इत्थे खलो ना। इन्नी दफा गल करन दा मकसद की है, अगर कोई बेगाना मरद आ जाए अपनियां नजरां नूं नीचियां कर ले, ताई ते बीबी पाक फरमांदियां ने भावे तू नेक तावी इत्थे खलो ना, भावे तू नेक तावी इत्थे खलो ना। कहंदा जबरील बीबी मरियम तू रोना, मैं मलका आदमी नाई, मैं मलका आदमी नाई, अज वेख अपने मुआशरे अंदर नजर दौड़ाना, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका पाक फरमांदे ने जड़ी बीबी चार काम कर लैंदी है, कायनात दे लोगो जड़ी बीबी चार काम कर लैंदी है अल्लाह पाक उन्हूं जन्नत भी अता कर दिंदा है। ओ यार वेख अपने मुआशरे अंदर अपने घरां अंदर नजर दौड़ाना, क्या औरतां दीआं कुर्बानियां नूं समझिया जांदा है कि नहीं समझिया जांदा, अज औरतां दी इज्जत नहीं कीती जांदी तेरे मेरे मुआशरे अंदर। अज तो 1400 साल कबल अली सलातु सलाम दी आमद तो पहला जो मुशरकी ने मक्का अपनियां औरतां दे नाल सलूक करदे, अज तेरे मेरे मुल्के पाकिस्तान अंदर ए सारा कुछ हो रहा है। अज बेटियां नूं गोलियां मार के कतल कीता जा रहा है, अज बेटियां दे नाल बाप दे सामने जिना कीता जा रहा है, औरतां नूं बरहना करके इंज बाजारां दा चक्कर लगवाया जा रहा है। ओ यार 2005 अंदर जलजला आया, इंज लगदा सी लोग जिना छड़ देणगे, इंज लगदा सी लोग शराबां छड़ देणगे, इंज लगदा सी लोग गुनाह छड़ देणगे। 2005 दा जलजला भी आके चला गया, लोग गुनाह तो बाज ना आए। उस तो बाद 2011 अंदर जलजला आया, इंज लगदा सी लोग नेक हो जाणगे, 2011 दा जलजला भी आके चला गया, तेरे मेरे अंदर दिल ना हिल सके। उस तो बाद कोरोना वायरस आया, इंज लगदा सी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, लोग अल्लाह दे नजदीक हो जाणगे। अल्लाह पाक दा इना गुस्सा घर आ गया है, अल्लाह पाक दा इना गुस्सा आ गया है, लोग बिल्कुल गुनाह ही छड़ देंगे। ओ यार कोरोना वायरस तो बाद 2011 दे जलजले तो बाद 2005 दे जलजले तो बाद मियां वाली दे अंदर एक बरहना औरत नु नंगियां करके इंज बाजार अंदर घुमाया गया। 2005 दे जलजले दे बाद ही मियां वाली दे अंदर बदबख्त बाप ने अपनी छोटी जिनी मासूम बच्ची नु फायर
फायर मार के कत्ल कर दिता। 2005 दे जलजले दे बाद कोरोना वायरस तो बाद कराची अंदर जालम बाप ने अपनी बेटी दा गला इक तारी दे नाल कट दिता। 2005 दे जलजले दे बाद इलाहाबाद अंदर एक बाप दे सामने चोरां ते डाकुआ ने ओदे बाप नु दरखत दे सामने बन के ओदी बेटी नाल जिना कीता, ओदी बेटी नाल बदकारी कीती। 2005 ते 11 दे जलजले दे बाद कोरोना वायरस जैसी मुसीबत बीमारी दिया जान दे बाद इलाहाबाद अंदर एक मौलाना साहब वाकिया सुना रहे सन। आंदने रात अंधेरे दी अंदर एक बच्चे दी विलादत होई है, बच्ची दी विलादत होई है। हां जी बच्ची नु मस्जिद दे गेट अंदर रख दिता गया है। सुबह मौलाना साहब आए ने इंज बच्ची नु उठाया फजर दी अजान टै ओते मस्जिद दे स्पीकर अंदर ऐलान कीता है कि दी बेटी आ के मस्जिद अंदर ले जाए। ओ यार फट क्यों ना जाए आसमान, फट क्यों ना जाए जमीन, तेरिया मेरिया करतूतां वेख के आंदे ने जिदी बच्ची आ के ले जाए। ओ यार फट क्यों ना जाए जमीनो आसमान, लोगों दे दिल क्यों ना फट गए। अज पत्थरों तो भी ज्यादा सख्त हो चुके, अज औरतों की इज्जत तो महरूम हो चुके, अज औरतों की इज्जत ही करना भुल चुके। किते दरिंदगी दा निशाना बना रहे ने, किते वाला तो पकड़ के घरों कढ़ रहे ने। सोशल मीडिया भरिया पिया इन्हां चीजां दे नाल, किते वाला तो पढ़ के धक्के मार रहे है, किते बीवी नूं गले कढ़ के छुरी चला रहे है, किते बीवी नूं नहर अंदर धक्के मार रहे है, किते बीवी नूं इंज चार पाई दे नाल बन के तशद्दुद दा निशाना बना रहे है। ओ यार दस ते सही ना तेरे अंदर ते उन्हां मुशरकां अंदर की फर्क रह गया है, की पैगाम देना चाह रहे हैं मगरबी यूरोप दे लोकां नूं। अज दा मुसलमान इन्ना बेहस हो चुके है, अज दा मुस्लिम मुआशरा इन्ना हद तक अगे वध चुके है, अज औरतां दी इज्जत ही करना भुल गया है। ओ यार मां ने तेनूं जम के इस दुनिया अंदर लियांदा, अज मां दी कुर्बानी भुल गया है, अज मां दी इज्जत करना ही भुल गया है, अज मां बाप नूं गालां कढ़दियां शर्म नहीं आउंदी, अज मां बाप नूं धक्के मारदियां शर्म नहीं आउंदी। भैणां ने तेरा एहसास कीता, भैणां ने तेरे खान पीन दा इंतजाम कीता, तेरे कपड़ियां दा बंदोबस्त कीता। ओ यार भैणां नूं गालां कढ़दियां शर्म नहीं आउंदी, एडे बदबख्त इंसान वी इस दुनिया ते मौजूद ने। अल्लाह दी कसम उठा के कहना अपनियां भैणां दियां बरातां छड़ देंदे ने, अपनियां भैणां दियां छादियां छड़ देंदे ने। ओ यार इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां तेरी बहन ने, बीवी दियां कुर्बानियां भुल गया, बीवी ने अपना घर बार छड़िया, बीवी ने अपने वालिदैन छड़े, बीवी ने अपना सारा कुछ छड़िया। ओ किस मुंह नाल बीवी नूं गालां कढ़ना है, बेहया है, बेशरम हो गया है, किस मुंह दे नाल बीवी नूं घरों कढ़ देना है, किस मुंह दे नाल बीवी नूं थप्पड़ मारना है, किस बीवी किस मुंह दे नाल सास ते सुसर दी बेइज्जती करना है। ओ यार शर्म करिया कर, इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां इक औरत ने तेरे वास्ते, इन्ना कुछ कीता इक औरत ने तेरे वास्ते, अज इन सारा कुछ नूं भुला देना है, अपने आप नूं उन्हां ते तरजीह दिया करना है। ओ यार औरतां दी इज्जत करिया कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा अपनी अखां अंदर हया पैदा कर लैंदा है, कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इहनूं अपने अर्ज दे नाल जगह अता कर देणगे। ओ यार गल शर्मो हया दी नहीं कर रिहा, गल कुर्बानी दी कर रिहा। एक औरत ने तेरे वास्ते इन्ना कुछ कीता, एक औरत ने सारा कुछ कुर्बान कर दिता, अज तू ओहदा ही मुरीद नहीं बन के रह रिहा, अज तू ओहदा ही दुश्मन बन चुके आ। अल्लाह तोलो दुआ है अल्लाह इन्हां चीज़ां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।